अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम यहाँ पे गुजरात बार में मौजूद हैं। गुजरात बार का इलेक्शन जारी व सारी है और माशाल्लाह से वकला हजरात यहाँ पे बड़े गहमा गहमी है। जितने वकला हैं सारे अपने वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और जो पार्टिसिपेंट हैं वो बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है वोट कास्ट करने दिया जाए। यहाँ पे वकला की जो स्ट्रेंथ है 1238 वोटर्स हैं गुजरात बार के, 1238 वोटर्स हैं और जिनकी जो कास्टिंग है 1000 के करीब कास्टिंग आएगी और बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया जा रहा है एक दूसरे को। शमशादुल्ला मल्ली साहब कैंडिडेट हैं, काजी जफरुल्ला साहब हैं और ये हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे पार्टिसिपेंट, काजी जफरुल्ला साहब भी मौजूद हैं। बड़े टॉप का मुकाबला हो रहा है, कंपटीशन फास्ट है और देखते हैं कि विनर कौन आता है। थोड़े से कमेंट्स लेते हैं हम काजी जफरुल्ला साहब से, वो हमें बताएंगे कि आज का मुकाबला कैसा जा रहा है। आज का मुकाबला बहुत अच्छा जा रहा है और इंशाल्लाह हम विनिंग पोजीशन में हैं और हमारे वोट जो है ना पेदार पे कास्ट हो रहे हैं और इंशाल्लाह जो है ना वोटर आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये फतह हमारी होगी। सर कैसा जा रहा है बताइए। बड़ा अच्छा जा रहा है, जो कई साहब हैं वो माशाल्लाह कॉन्फिडेंट हैं और इंशाल्लाह बड़ी मार्जिन से जीतेंगे इंशाल्लाह, तो हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं, वोट भी हैं और सपोर्ट भी है हमारी। जी गुजरात बार एक यूनिक बार है, यहाँ पर एक खूबसूरत रवायात हैं, यहाँ पर इलेक्शन इतने प्यार मोहब्बत से लड़ा जाता है कि ओपोनेंट को भी हम खुश दिली से मिलते हैं। तो हम दुआगो हैं कि हम तो काजी साहब के सपोर्टर हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करें इनको, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जी आप इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं? मैं खुद 60 के कैंडिडेट हूँ, इलेक्शन बहुत अच्छा जा रहा है, स्मूथ जा रहा है, टर्न ओवर बहुत अच्छा है और हम इंशाल्लाह हैवी लीड के साथ जीतेंगे इंशाल्लाह, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट टुडे रिजल्ट्स। गुजरातियों को लोग बाहर जो है ना बड़ा ज्यादा समझते हैं कि बड़े लड़ाका लोग हैं, लेकिन ये इलेक्शन को आप देखें कैसा नॉर्मल इलेक्शन जा रहा है, माहौल भी नॉर्मल है, सो लविंग माहौल है, हर बंदा हर बंदे से कोऑपरेट कर रहा है, कोई वर्गलिंग गुफ्तगू नहीं हो रही, बड़ा माहौल दोस्ताना माहौल में इलेक्शन हो रहा है। हाँ जी आप शमशादुल्ला मल्ली साहब के सपोर्टर्स हैं? जी बिल्कुल, हम शमशादुल्ला नजर आ रही है, कंडीशन हमारी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, हमने काफ़ी मेहनत की हुई है इस हवाले से, टीम वर्क हमारा काफ़ी है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला हमें इज्जत अता करेंगे और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। हमने टीम वर्क तो बंदे के अपने पास में होता है, टीम वर्क किया है, मेहनत की है और लोगों को अपना मंशूर बताया वो कल रात को, तो इंशाल्लाह पर उम्मीद है इंशाल्लाह रात को हम ही जीतेंगे, जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो इंशाल्लाह बेहतर खबर आएगी। इमरान खान साहब जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और इमरान खान ने अपनी कैंपेन बहुत अच्छे अंदाज में चलाई है और बहुत से सीनियर जूनियर वकला जो है वो उनकी हमायत कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कंफर्टेबल इलेक्शन है उनका और इंशाल्लाह वो इलेक्शन जीत कर गुजरात बार के वकला की जो है वो फलाह के लिए जो हतल मुमकिन उनसे हो सका वो करेंगे और इंशाल्लाह बार के आला रवायात जो हैं उनको कायम रखा जाएगा। बाकी आपने बहुत सी जगहों पे देखा है कि जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे कभी पोलिंग बंद होती है, कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये एक चूँकि कंटिन्यूसली एक जमहूरी अमल जो है वो चल रहा है यहाँ से, तो इसलिए ये जो है ये इसका उस जमहूरी अमल का हुसन है कि यहाँ पर कभी बार में इलेक्शन के हवाले से कोई मसाइल नहीं आए हैं। विवस बात ऐसे ही है कि गुजरात बार का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन होता है, यहाँ पे लास्ट टाइम तक आपको पता नहीं चलता कि विनर कौन आ रहा है, पोजीशन में एक पर्सन जा रहा है, दूसरा कैंडिडेट जा रहा है, लेकिन इसमें ये आपको लास्ट टाइम पे जाके जब काउंटिंग होती है काउंटिंग में पता चलता है कि विनर कौन आ रहा है, यही इस इलेक्शन की खूबसूरती है। नाहिद फातिमा, पाक्योर टीवी न्यूज़, गुजरात।